पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार भारी बढ़ोतरी से त्रस्त होकर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। कर्नाटक के गदग जिले के एक छात्र ने ऐसी ही इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है, जिसे देखकर हर कोई अचंभित और हैरान है। गदग जिले के वोक्कालगिरी की रहने वाली 16 साल के प्रज्वल हबीब ने बिना किसी की मदद के बैटरी से चलने वाली साइकिल बनाई है। प्रज्वल डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। उनकी साइकिल 30 से 40 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 रुपए में तय करती है। फर्स्ट ईयर डिप्लोमा ईएनडी खरीदे ने मैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। मैंने 24 वोल्ट गियर मोटर, एक्सीलरेटर, ब्रेक लेवर्स का उपयोग करके इस साइकिल को बनाया है। इसी तरह की साइकिल मुंबई में भी बनाई गई है। इसी तरह की साइकिल मुंबई में भी किसी ने बनाई है। मेरा भी उसी तरह की साइकिल बनाने का सपना है। मेरे चाचा ने मुझे वीडियो भेजा है। मेरी इच्छा उसी तरह की साइकिल बनाने की है। उसने 12 वोल्ट की दो बैटरी और 12 वोल्ट ग्रेड मोटर का इस्तेमाल किया है। एक बार जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये इलेक्ट्रिक साइकिल के रूप में बदल जाती है। एक बार चार्ज होने के बाद ये साइकिल 20 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन यह धीरे धीरे चलेगी। इसे पूरी तरह चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगेगा। इस साइकिल को बनाने में 9,000 रुपए लागत आई है। हाँ, अगर बैटरी खत्म हो जाए तो चिंता की बात नहीं, पैडल के सहारे इसे चलाया जा सकता है। छोटी उम्र से ही वह मुझसे साइकिल बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन हमने उससे कहा अभी इंतजार करे, उसका कॉलेज थोड़ा दूर है, ऐसे में उसे पैदल कॉलेज आना जाना मुश्किल होगा। उसके पिता ने वादा किया था कि साइकिल बनाने के लिए उसे जरूरी सामान उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद उसने सामान खरीद कर घर पर इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार की। संसाधन दिन प्रतिदिन कम हो रही है और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह के आविष्कार हमें बेहतर जिंदगी देने की उम्मीद करते हैं। लोगों ने प्रज्वल के इस आविष्कार की तारीफ की है। ईटीवी भारत चाहता है वह ऐसे ही आविष्कार करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।